नमस्कार दोस्तों, हम राजू चौरसिया। दोस्तों तो हमारे चैनल में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दोस्तों कैसे आज के आप लोग काम देख रहे हैं, वो भी दोस्तों बीम 10 फीट के बीम दोस्तों लेवल में दुनिया में आज हम आप लोग के सिखाई के रखूंगा। इसमें समझिए, मैं जैसा तरीका बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका, पहली बार दोस्तों ऐसा वीडियो आप लोग के लिए मैं बनाया हूँ। मैं काम नहीं करता हूँ पर वीडियो दोस्तों आप लोग इतना नॉलेजदार, इसमें एक एक बात बताया हूँ। और हमारा कमरा फाइनल करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, पर आप लोग के लिए फुल जानकारी नॉलेज इस वीडियो में देखने का आप लोग को मिलेगा। तो हमारा आप लोग से छोटी सा उम्मीद है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार ज़रूर वीडियो के देखिएगा। कैसे आप लोग अगर वीडियो नहीं देखिएगा मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। तो हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट है ज़रूर एक बार देख कर जाइए। और चैनल पर मेरा पहली बार आकर अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जरूर दबा लेना। कैसे आप लोग के लिए इसी तरह वीडियो हम हमेशा के लिए दिखाते रहे और सिखाते रहे। चलिए वीडियो के स्टार्ट करता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर। आज के न्यू काम में दोस्तों आप लोग हम स्वागत करते हैं। अगर जो भी मेरा ऑडियंस देख रहे हैं, एक बार हमारा आप लोग से छोटी सी निवेदन है, रिक्वेस्ट करता हूँ, कैसे बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाने चल रहा हूँ, कुछ तरीका पर तरीका न्यू से न्यू। कैसे बहुत सारे आदमी ऐसे नहीं कर पाते हैं, आज ज़्यादा नए आदमी के हेल्प मिलेगा। बहुत सारा मिस्त्री आदमी के पता रहता है पर ऐसे करते नहीं हैं। तो हम कैसे करने वाला हूँ एक बार तो देख कर जरूर जाइएगा, शायद आप लोग नहीं देखिएगा तो दोस्तों हमारा वीडियो मैं पूरे मूल्ड में दोस्तों बना रहा हूँ आप लोग। तरीका पर तरीका, पाइप लेवल से कैसे होता है, स्पीड लेवल से कैसे होता है, दुनिया में कैसे होता है, बीम सीधा कैसे होता है, सुट्टा में कैसे होता है, फॉन्टी में कैसे होता है, दोस्तों हर एक बातें इसमें बता रहा हूँ। तो यही बीम है और देखिए दोस्तों यही कमरे फाइनल करने वाला है। और पहले कमरा फाइनल नहीं करके दोस्तों आप लोग के वीडियो बना रहा हूँ। कैसे आप लोग के इतना प्यार मोहब्बत करता हूँ कि आप लोग को जरूर वीडियो नॉलेज सिखाता हूँ। हमारा काम का है ना 7 बज जाएगा और आप लोग के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पंजाब, अभी हम चंडीगढ़ में दोस्तों जीरकपुर में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इसको सकाई दोस्तों किस तरीका से ऐसे लगवा रहे हैं, ऐसे यहाँ पे अगर सकाई नहीं मानिए तो दोस्तों इंजीनियर बोल रहा है चलेगा नहीं, इसलिए इस तरीका से ऐसे बीम पे हमने लगा लेते हैं। और यहाँ थोड़ा बीम फिनिशिंग है ना, ये पूरा दोस्तों लोहे के पलेटा है, पलेटा से पूरा फिनिशिंग आ जाता है गोला से, इसलिए इसको कोर के करो तो दोस्तों कभी करेक्ट नहीं आएगा। बहुत सारा जगह देखे होंगे बीम दोस्तों यहाँ से छोड़ देगा और कहीं बीच बीच में जब फट जाता है तो कैसे फटता है वो भी तरीका इसमें बताएंगे। मैं कैसे कर रहा हूँ ये सब तरीका आप लोग सीखने में होता है, देखिए। और आज हम वीडियो बनाएंगे बीम के दीवार के, और एक लंबा दीवार है ये, इसको बनाएंगे और एक पिलर के आज बनाएंगे दोस्तों। पिलर कैसे होता है पानी नहीं मारते हैं आज, पानी भी दोस्तों बीम पर कितना पानी लगता है वो भी बताएंगे। कटाई हमारा बिल्कुल अच्छा तरीका से लग चुका है, देख सकते हैं आप लोग सामने। और बहुत सारे आदमी कमेंट करते हैं पानी प्लास्टर करने से पहले दीवार कीजिए या छत कीजिए या बीम कीजिए, कहीं भी प्लास्टर खोजा है दोस्तों पानी, अगर पानी अच्छा से नहीं मारिएगा तो आप लोग करने में बुरा हाल हो जाएगा दोस्तों। मेहनत भी होगा और काम भी उतना फिनिशिंग नहीं होगा, देखने में कोई कहेगा ऐसा प्लास्टर बिखार दिया है। तो हमने दबा कर दोस्तों पानी मारते हैं, ये एक घंटा लग जाता है हमको एक कमरे में दोस्तों, अगर स्टार्ट करते समय पानी मार देंगे। देखिए कितने पानी मारा है, पूरे दीवार हमारा चप चप कर रहे हैं। और सभी बीम में भी थोड़ा लगा देते हैं कि हमारा पीछेगा नहीं, इस तरीके से ऐसे देख लेते हैं, इधर भी हमारा लग गया और इसमें भी ऐसे
पूरा एक ही जगह में दोस्तों बीम ज्यादा पानी नहीं खोलता है दोस्तों, पहले से मारा हूँ और एक बार मार दिया पूरा हमारा कवर हो गया। और इसके दोस्तों जब कर रहेगा ना तो गाढ़ा बोला, जैसे हमारा भैया इधर गाढ़ा बोला तो दिए हैं, पर ऐसे क्यों करेंगे तो दोस्तों एक दिन में जग गए चूरा है, गाढ़ा बोला अच्छा है नहीं। कैसे अगर आप लोग अगर ऐसा बोला से बना लीजिएगा जो उंगली में से चू जा रहा है देखिए, तीन बीच में खाना दीजिएगा मजे तो ले आइए ना सीमेंट, मैं बनाकर आप लोग बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सीमेंट ले आइए और बिजली वाले हैं ना दोस्तों, तो ये यहाँ पे हम गाढ़ा गोला बना रहे हैं अभी। और आज आप लोग दिन सीख लेना है, अगर हम सब वीडियो देख रहे हैं तो टाइम पास मत करना है, आज मैं जैसा बता रहा हूँ पर वैसा आप लोग कहीं भी अगर गुजरात कर रहे हैं कहीं भी हमारा वीडियो देख कर कर रहे हैं ऐसे जरूर करना। और मैंने कल या परसों एक कमेंट और पढ़ा हूँ, बोला है भैया छत प्लास्टर में मसाला नहीं चिपकता है, ठीक है दोस्तों इसी में छत हो नहीं रहा है थोड़ा, इसी में मैं गोला मार के बता दूँ नहीं यहाँ पे गंदा दिखेगा। चलिए गोला मारने का आप लोग सीखिए, पहले कोने में हम आ जाते हैं और बिल्कुल दोस्तों इस तरीका से ऐसे नीचे देखिए, पहले नीचे लगाएंगे, बहुत सारा आदमी ऊपर लगाता है इस तरीका से ऐसे देखिए हमारा कितने, और ये हमारा सेलिंग में भी दोस्तों कम से कम एक इंची डेढ़ इंची लगना चाहिए, कैसे वही मसाला पकड़ करता है, शायद अगर उसमें नहीं लगाइएगा तो वही दोस्तों करेक हो जाएगा वहाँ से भाई मोटर बीम पे मसाला आ जाएगा इस तरीका से। कितने आसान से मार रहा हूँ ऐसे, ऐसे आप लोग नहीं सीख पाते हैं बताइए, बहुत सारा आदमी अगर नया आदमी रहता तो उसको मैं देता अभी करने के लिए, लेकिन एक ही जगह को बुझा रहा है लग गया पूरा। और गोला में कहीं चूसी मत करना, ये नहीं कि एक ही टगार में हटाने के लिए दोस्तों कम ही गोला मारिएगा वही आपका बीम भीजेगा, थोड़ा सा बढ़िया इसमें और रख दो यहाँ पर बाकी ये इतना जो यही हमारा गोला एकदम लग चुका है। और यहाँ पे इस तरीके से देखा ऐसे भी है, इस तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं कि यहाँ पानी से हमारा लग गया है, बस हमारा दो इंची उसमें भी जा गया है। देखिए गोला में हम कंचुकी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा और लगा देते हैं, कैसे अगर बीम गिरेगा बार बार तक यार बस लग गया। लो भैया मसाला भीगिए, देखिए हमारे भैया मसाला फेंक रहे हैं। और मसाला भी बीम में दोस्तों कई प्रकार होता है, जैसे हम बाहर से जब पानी बीट बनाते हैं टॉपर उसमें अगर एक तसला सीमेंट और एक तसला चाहे दो तसला दोस्तों बालू रखेंगे तो हमारा काला मसाला बनेगा, जैसे पानी टपक गिरेगा नहीं, इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा बालू वाला मसाला बना लेंगे तो बीम में तभी परेशान हो जाइएगा। रुकिए और देखिए यही भैया मसाला बना रहे हैं, और मसाला अभी फिलहाल दोस्तों हमारा चार एक के मसाला बना है, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा देखिए यहाँ पर कितने अच्छा से दोस्तों मिक्सचर में बन रहा है ना चार एक के मसाला, तो चलिए इसी से हम कमाते हैं। तो पहले नए आदमी दोस्तों कैसे इसको छापना है, जैसे आप लोग दीवार छापते हैं मैं भी लेता हूँ, अगर जो भी ऑडियंस देख रहे हैं हमारा को और ज्ञान दीजिए, और हमारा जो भी ऑडियंस देख रहा है वो भी मेरे से भी आगे निकले सीखे मेरा काम। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से पहले हाथ पे हम इस तरीके से ऐसे छापते हैं, और बिल्कुल कोशिश करना ऐसे बराबर दोस्तों छापने के, जैसे यहाँ पे हम छाप दिए तो फिर दोस्तों ये वाला छापेंगे ठीक है, जैसे कि ऐसे बराबर बिल्कुल अगर आधा इंची के मार्जिन से हम यहाँ से लेकर वहाँ तक छापेंगे, ताकि ज़्यादा लंबा बीम नहीं है इसलिए आधे इंच के मार्जिन से चलते हैं। कैसे मोटा प्लास्टर गिरता है ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों, और मोटा प्लास्टर का एक भी होता है, और पतला कीजिएगा अगर दोनों साइड नीचे से लेकर ऊपर तक दोस्तों बीम देखने में भी काफ़ी सॉलिड लगेगा और जल्दी करेक्ट भी नहीं होगा इस तरीके से। देखिए ऐसे मसाला आप लोगों को खाना है, और देखिए यहाँ पे गाढ़ा है, यहाँ पे गाढ़ा है तो वहाँ पे जब थोड़ा मोटा लगेगा इसलिए इस तरीके से ऐसे मोटा छाप देना। और नीचे में दोस्तों कैसे छापना है वो भी मैं बता रहा हूँ, पहले इसको आप लेते हैं ऐसे तरीके से ऐसे मंडी, तो दोस्तों चुटकीलों में दोस्तों आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ, अभी देख कर जाइए दूसरा तरीका है, बहुत सारा तरीका बता दिए दोस्तों डायरेक्ट मंडी मार देना,
नया आदमी से दोस्तों वैसे माथे में पंडित होता है, नीचे में देखिए नीचे में इस तरीका से ऐसे एक बराबर हमको तली छापना है, जैसे देखिए एक एक कर के ऐसे देखिए इस तरीके से ऐसे बराबर छापिएगा दोस्तों। भी सीधा पंडित लगा कर दोस्तों रूसा से काटने में सही रहेगा और मार्जिन भी खा लगता है, इसलिए बराबर छापिएगा। तो आप लोग छापे सीखे हैं कि नहीं? अरे बोलिए, इतने आसान है। यहाँ से मसाला उठाना है, पहले पोल पे ऐसे इस तरीके से मार देना है और फिर या ऐसे मारिए दिवाली गए में, देखिए ऐसे दिवाली ऐसे मार रहे हैं, चाहे यही हाथ के इस तरीके से ऐसे कर देंगे और ऐसे आप लोग सीखिए। ऐसे यहाँ से इस तरीके से ऐसे भी छाप सकते हैं, ऐसे मसाला उठाना है और इस तरीके से आराम से जहाँ पे हमारा खाली है वहाँ पे मार देंगे। देखिए बीम हमारा यहाँ से वहाँ तक बीम पहले दोनों साइड छाप लिए हैं, नीचे और ऊपर। आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे कहीं कहीं गाढ़ा है थोड़ा और मसाला लेकर ऐसे मार लेना आप लोग। और इसको क्या करना है दिख रहा है ना आप लोग, यहाँ से देखिए धार पर कोई कोई नए आदमी को मैं बताऊंगा ऐसे ही चिपियाता है, ऐसे गिर जाता है समझिए, तो ऐसे नहीं चिपियाना है, ऐसे ये कोर दोस्तों मुड़ जाएगा, इसको ऐसे ले जाना है और एक कोर पे थोड़ा यहाँ से मसाला उठाकर और एक कोर पे ऐसे इस तरीके से करना है, हमारा बराबर ऐसे चिपियाएंगे। मैं सोचता हूँ मैं खुद नया बन गया उससे आप लोग के अच्छा से तरीका मिल जाए। और इधर से देखिए इस तरीके से ऐसे करनी है आप लोग के, बहुत नया आदमी के ऐसे भी ऐसे चिपियाने नहीं आता है, ऐसे ऐसे बराबर समझिए चिपिया देंगे तो पंडी आप लोग के बराबर बैठेगा। इस तरीके से यहाँ से ज़्यादा हो गया इस तरीके से मसाला मार लेना और उन्हें दोस्तों चिपिया देते हैं। और इसमें दूसरा तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ठंडी चलाएंगे ऐसे नए आदमी से मैं समझ सकता हूँ ऐसा नहीं चल पाएगा। चलिए भैया रूसा ले आइए, तो रूसा या छोटा पंडी है, इतना बड़ा छोटा पंडी होगा वो ले आइएगा या चल रूसे से आसान रहेगा आप लोग रूसा दीजिए भैया। ये हमारा रूसा आ गया, अब आप लोग सोचते होंगे पंडी के साथ वही नहीं मारा और डायरेक्ट रूसे में क्या बनाएंगे, आप लोग क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रखना है ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से पहले चेहरा बनाना है ठीक है, और यहाँ से माल देखना है ज़्यादा है तो दोस्तों ज़्यादा देने का क्या देखिए यहाँ से ठीक है बिल्कुल दोस्तों 12 इंच की बनाना ऐसे 10 mm 12 mm प्लस्टर करेंगे तो एकदम सही रहेगा। और इसको कावर में बनाना है तो अंजारी का आप लोग नहीं बना पाएंगे इस तरीके से ऐसे दूर रहेंगे ना, और यहाँ पे भंडी लगाएंगे अगर भंडी में है या नहीं है वो भी लगा देंगे भंडी की बिल्कुल ऊपर से हम नीचे के धार पे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बिल्कुल ऊपर ऐसे सटा हुआ है बोरा है, हल्का सा भी और नीचे काटिए जैसे हम साउले हला कर आप लोग को बता देते हैं, जैसे देखिए इतना हम काट देंगे बाकी हमारा घंटी में आ जाएगा। तो देखेंगे ऊपर अगर मसाला है दोस्तों तो इसी के हम ऐसे यहाँ से इस तरीके से ऐसे काट देंगे, देखिए हमारा दोस्तों साउल में हो जाएगा एकदम खा हो जाएगा ठीक है, हो ही गया दोस्तों। अब हंडी फिर लगा कर बता देंगे, देखिए एकदम दोस्तों 0-0 यहाँ कोने में भी ठीक है,
अब इसको क्या करना है, ये कैसे कर देना है, यहाँ से इस तरीका से हमारा फंडी चलाने में पर सही रहेगा। फिर यहाँ से जैसे 6 फीट के फंडी है तो दोस्तों 5 मिनट पे यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मसाला ऐसे देख लेना क्या दोस्तों, अगर ये दीवार प्लास्टर हो जाएगा तो जैसे यहाँ से आप लोग यहाँ पे नापी कर लेना दीवार से, अगर चुनाई मांग रहा है दोस्तों, अगर चाइनीज चुनाई है तो यहाँ से ये भी नाप सकते हैं, तो ये भी नाप के दोस्तों उतने बना देना है। अगर प्लास्टर भी हो जाता है तो, अगर नहीं है तो समझिए अभी तो प्लास्टर होने वाला है, इसको ऐसे बना देंगे। देखिए बिल्कुल ये भी घंटी में हम बनाएंगे ऐसे, देखिए ये तरीका आज आप लोग सीख रहे हैं ना, सब नए आदमी दोस्तों आराम से आप लोग कर पाएंगे ये तरीका से, समझिए ये साहुल में आप लोग रुखसर से बना देंगे। देखिए ये भी हमारा पूरा हो ही गया दोस्तों, इसको दोबारा काटना भी नहीं है, जब ये नहीं काटना तो ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए फंडी में ऐसे, जब ऐसे हो जाएगा तो इसको आप लोग, और यहाँ पे आधा इंची मसाला है, वहाँ पे आधा इंची मसाला है, तो ढीठे आप लोग कैसे काटिएगा वो आप लोग तरीका देखिए। ये हमारा फंडी है, देखिए हम दोनों पे हम ऐसे रख दिया और बिल्कुल दोस्तों वो नहीं काटने देंगे, ठीक है ऐसे। देखिए इस तरीके से ऐसे वो हम काटने नहीं देंगे, इतना समझ, थोड़ा आराम से बताए कि फास्ट, जब वैसे हो गया तो दोस्तों वो नहीं काटने देना है, ऐसे पीछे मार देना है ऐसे। देखिए इस तरीके से और दोस्तों ऐसे ही मिलना चाहिए ऐसे बिल्कुल, ये धार पसे ऊपर वाला, तो देखिए कभी मैं ऐसे ऊपर रखूँगा तो ये ले जाऊँगा, ये ले जाऊँगा बैठा के, और यहाँ से ऐसे इसको हम काटेंगे, और यहाँ पे ये हम काट देंगे। देखिए ये हमारा पाटा में हो जाना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, अगर ये हिलेगा तो समझिए ऐसे, अगर आप लोग बनाइएगा ऐसे समझिए लेवल करके, और ये हिलेगा तो धार आप लोग गिर जाएगा, इतना बात आप लोग समझ लेना। तो चलिए तेरा तो दोस्तों हमें साउल में बनाना है, अगर आप लोग अच्छे से साफ किए होंगे तो ये भी हमारा पूरा घंटी हो जाएगा, इसको देखिए अगर ऐसे गिराया है यहाँ से, ठीक है 0-0 है दोस्तों, और यहाँ पे देखते हैं दोनों कोना होना चाहिए, देखिए बिल्कुल 0-0 है, चलिए अब इसको कैसे करना है आप लोग, देखिए हमारा ये है ना, इसको इस पे ऐसे मार करना है, और ऐसे करके ऐसे दोस्तों आप लोग एक और तरीका है, ऐसे हाथ में रख लेना अभी नहीं है, और इसको कर भी कर ऐसे दोस्तों, और ऐसे इसको कर देना, ठीक है, फिर ऐसे हाथ पे रख के ऐसे कर देना, यहाँ से वहाँ तक कर देंगे तो समझिए पूरा फिनिशिंग आ जाएगा, कोई भी दोस्तों जल्दी बन जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल कोने में रह के और इस तरीके से ऐसे जाने देना, जो आप लोग ऐसे मारे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे रख देना है पूरा सटा कर, ठीक है, और यहाँ से अब हम लेबल लगा देंगे, लेबल यहाँ पे दोस्तों लेबल रखेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे मार्जिन हम देखेंगे आधा इंची, और इसको बोरा नीचे करने का, देखिए आप लोग इधर देखिए लेवल दिखाइए, बिल्कुल लेवल में शीशा पर आप लोग, हाँ ठीक है, देखिए इधर भी मार्जिन ठीक है, और ज़्यादा नीचे मोटा मत करना, अगर मोटा हो जाएगा तो वही धार गिरेगा, जब हो जाएगा इस तरीके से देखिए दोस्तों, जब हो जाएगा तो इसको नीचे इस तरीके से मसाला मार के जो नीचे छापे हैं समझिए उसी से हो जाएगा, इस तरीके से पतला मसाला जाना है ना,
बेच लिया अभी मैं, ठीक है। और यहाँ से गाढ़ा होगा उसके अंदर से मार दिया, और इतना ध्यान से दोस्तों ये पकड़ लेना अपना पंडी आराम से दोस्तों ऐसे पकड़ा हूँ, देखिए कोई जोर से नहीं लगाया हूँ। तब इस तरीके से हो जाएगा तो इसको रूसा से दोस्तों ये बिल्कुल ये दोनों फंडी के हैं ना इस तरीके से ऐसे इसको काटना है। ये नहीं दोस्तों ज़्यादा आप लोग के अंदर काट देना है या दोस्तों चढ़ा देना है, बिल्कुल ऐसे मिला कर ऐसे काटना है। जब देखिए इस तरीके से दोस्तों कभी एक हाथ दुख जाएगा तो कभी ये हाथ पकड़ लेना, और बाकी ऐसे हमारा जब लग जाएगा तो पूरे दोस्तों ये फंडी सीधा ऐसा डालेंगे, ठीक है। और ये तो दोस्तों जैसे भी आप लोग कर लेना, जैसे हम कोर पे फंडी रहते और बिल्कुल ऐसे सीधा ऐसे इसको काट देंगे, कैसे थोड़ा मोड़ा अगर दूसरा टेस्ट चढ़ा हो जाता है ऐसे सीधा हो जाएगा। और चाहेंगे तो एक तरीका ऐसे भी है, इस तरीके से ऐसे आप लोग मार सकते हैं। जब एक फंडी पे धार बन जाता है तो उसी का फंडी पर उसको यहाँ पे और उसमें मिला लेना, ठीक है। और फिर दोस्तों लेवल तो जरूर करेंगे, कैसे मुंह दोस्तों हाफ डाउन हो जाता है ना, तो यहाँ से अब हम लेवल करके देखेंगे ये मुँह और उठाना है कि और हो रहा है लेवल ये करने का। तो यहाँ पे देखिए लेवल रखा दोस्तों, लेवल भी हो रहा है थोड़ा मुंह और नीचे करने का, लेकिन यहाँ पे नीचे कर दिया एकदम दोनों दोस्तों लेवल में बिल्कुल जीरो जीरो हो गया। तो दोस्तों अगर पाइप लेवल होता तो पाइप लेवल में दोस्तों टिक लगा कर मैं बनाता, ये दोस्तों स्पीड लेवल है पर ये भी सही है करने में। दोस्तों नए आदमी के पहले तो हम बोलेंगे इसी से कीजिए स्पीड लेवल से, तो इस तरीके से ऐसे फिर हम नीचे में ऐसे मसाला छाप देंगे। इस तरीके से आप लोग रूसा बिल्कुल दोस्तों मारना ये दोनों फंटी के मिला कर दोस्तों ऐसे मिलना चाहिए। जब हो जाएगा तो दोस्तों हटा देना इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ये वाला तो दोस्तों आप लोग जैसे भी आप लोग ऐसे बिल्कुल कोर पे आप लोग फंडी रख लेना है, और यहाँ पे एक कट के हम ऐसे कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा छिड़ी उड़ी है इस तरीके से ऐसे मसाला ऐसे हल्का हल्का जहाँ पे मोटा है वहाँ पे इस तरीके से ऐसे लगा देना है। यहाँ पे भी है और बाकी ये हम फंटी दोस्तों ऐसे और सीधा होगा बिल्कुल ऐसे हम कोना में और पूरे धार पर ऐसे मिलना चाहिए, ये नहीं से बीच में गैप रहेगा और ऐसे रूसा मारिएगा तो वही धार आपका फिर टप हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे मिलाकर ऐसे पूरे यहाँ तक ऐसे हटा देंगे, ये हमारा हो गया। इधर भी ऐसे बिल्कुल कोने में ऐसे भी हो गया, थोड़ा बीच में अब ये समझिए दोनों मुंह मिल गया था हमारा बिल्कुल सीधा हो गया। अच्छा दोस्तों मुंह में मुंह मिल गया, बस सूता नीचे से लगाइए ऊपर से लगाइए बिल्कुल हमारा सूता में हो गया,
तो चलिए दोस्तों, अब ऐसा ही धार हमारा हो गया। इसको आप लोग जब ऊपर से गुस्सा मारेंगे तो इसको आप लोग ऐसे करने के बाद ही ऊपर वाला गुस्सा आप लोग मार पाइएगा ऐसे। जैसे देखिए इसको अब हम क्लीन कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग दोस्तों वीडियो देख कर आए, देखिए हमारा बीम पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ और पूरे कमरे फाइनल कर दिया। 5 बजे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, अगर जो भी ऑडियंस यहाँ तक देख के हाथ जोड़ के मैं आप लोग से दोस्तों धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। कैसे आप लोग को नॉलेज मिला होगा तो कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जरूर दबा लेना दोस्तों। कैसे जल्दबाजी में दोस्तों मैं पूरा फिनिशिंग करके दोस्तों नहीं दिखाया, कैसे हमको 2 बज गया था दोस्तों, ऊपरे दोस्तों बहुत सारा मसाला नीचे से बढ़ रहा है और 10 मंजिल के ऊपर हाइट पे अभी काम कर रहा हूँ और कमरा हमारा फिनिशिंग हो गया। देखिए कितने अच्छा हो रहा है दोस्तों, बस गुस्सा मार देना है, चल जाना है दोस्तों पूरा फंडी में, पूरा गुनिया में। अगर गुनिया ये नहीं, गुनिया ले गया जा रहा, पूरा मेरा काम दोस्तों गुनिया में कर चुका हूँ दोस्तों। तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर देना, कैसे मेहनत बहुत किया हूँ, खाना भी नहीं खाता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो जरूर अपलोड करता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।